मिस्टर देवेश पांडे से संपर्क कर ग्राउंड पे पहुंचे और ट्रॉफी पकड़े। पतंजलि जो चमके है। अब मैं विजेता टीम के कैप्टन मैं हूं फिर यह पकड़वाई थी एक गाड़ी ट्रॉफी पकड़ा आइए मैं आपको मिलाता हूं उनसे जो विजेता आज के घोषित किए गए हैं, उन्हें आज अवार्ड दिया गया है। आइए उनसे थोड़ा सा दो शब्द बात करते हैं। अभी फोटोग्राफी हो रही है इसलिए थोड़ी सी फोटोग्राफी हो जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत ही उत्साह, बहुत ही खुशी नजर आ रही है सभी खिलाड़ियों में। आइए मैं उनसे मिलाता हूँ जो विजेता हुए हैं। हेलो हेलो, थोड़ा जो ट्रॉफी जो विजेता, तो ये आज की विनर टीम है जिसका नाम है बैट बॉय बरगवा से हैं। और आइए मैं आज इनसे पूछता हूँ इनसे क्या कितनी खुशी है और आगे भी क्या इनका भविष्य का क्या प्लानिंग है। खुशी तो जो है सो है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर राहुल स्टार बहुत लगातार 7-8 मैचों में 0-0 आउट हो रहा था। आज फाइनल मैच में उन्होंने अपना दबदबा बनाया और इससे ऐसा लगा कि और आगे टीम में उनको भी मौका मिलेगा, अन्यथा काफ़ी इनका समय खराब चल रहा था। और अच्छी लगा, ग्रामीण स्तर का टूर्नामेंट है, बहुत मज़ा आता है खेलने में, दर्शक भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। तो जी आपने सुना उनसे जो विजेता हुए आज के, उन्होंने भी बहुत ही कहा लेकिन राहुल के बारे में चर्चा की जिन्होंने आज ट्रॉफी पाए। वो पहले से बहुत बेकार खेलते थे लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा खेला। और ये देख रहे हैं फोटोग्राफी हो रही है, मैं हर मूवमेंट को आपको दिखाना चाहूँगा जो इस मैच में सब लोग जो ऊपर। आइए मैं उनसे मिलाता हूँ जो आज के उपविजेता रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आज आपको उपविजेता घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा लगा, दोनों टीमें बहुत अच्छी थी, हमारी भी टीम, सामने वाली टीम थोड़ा हमसे अच्छा कर बैठी, इस वजह से हम मैच लॉस कर गए। तो ये मैच आप लोग कितने साल से खेल रहे हैं? हम 5 साल से कंटिन्यू, बीच में ड्रॉप हुआ लेकिन इसके पहले भी हमारा ये टूर्नामेंट होता था। और ये हर दीपावली के अवसर पर होता है। इस साल तो कुछ अलग सोच रही है हमारी कमेटी कि जनवरी में भी कुछ अच्छा सा टूर्नामेंट करवाएं। और हमने सुना कि इस व्यवस्था में कोई दिक्कत, मतलब कोई आप ही लोग के सब सहयोग? हाँ, सब हमारे, हम कमेटी भी हैं, हम प्लेयर भी हैं, हमारी पूरे गांव का सहयोग भरपूर ज़्यादा, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। ये किसी दूसरे का खेत है, हमारे गांव में एक अच्छा सा पिच नहीं है, न सरकार दे पा रही है, न यहाँ के पंचायत स्तर के जो हमारे सरपंच सचिव हैं ना वो अच्छा सा ग्राउंड बनवा पा रहे हैं। जो ग्रामीण जनता जिनका जमीन है वो देते हैं और उनकी वजह से, उन्हीं के सहयोग से हम लोग PPL का टूर्नामेंट करवा पाते हैं। पचौर स्पोर्ट्स क्लब, एक सोशल मीडिया में साइट भी बनी हुई है अपनी, फेसबुक में आप सर्च कर सकते हैं,
पचौर स्पोर्ट्स क्लब पीपीएल पचौर। मैंने इसका देखा है ये, और ये पचौर प्रीमियर लीग आपने देखा, उनसे बात की, उनसे मैंने बात किया जो आपकी आज के उप विजेता रहे हैं, और आप देख सकते हैं सभी जो विजेता हुए थे वो निकल चुके हैं। और आइए मैं इनसे मिलाता हूँ, जिनका नाम मुझे बताया जा रहा है एजे स्टार। तो ये देखिए, आप इनसे मुलाकात कराता हूँ। तो आज का मैच कैसा रहा और आपका अनुभव क्या? आज का मैच बहुत अच्छा रहा, और बहुत अच्छा सफ़र रहा कि हम लोग फाइनल तक पहुँचे। पिछले साल सेमीफाइनल तक हम लोगों ने सफ़र किया था, और थोड़ी सी हमारी बॉलिंग थोड़ी सी वीक हुई, जिस कारण से अच्छा स्कोर हम लोग के सामने था और चेस हो सकता था, लेकिन शुरू से हम लोगों ने बैटिंग लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। और प्रयास रहेगा कि अगले साल हम लोग फाइनल जीतेंगे, और अच्छी जो भी गलती हुई उसको हम सुधार के अगले साल अच्छी टीम उतारेंगे। तो सुना आपने, यहाँ के एक एक खिलाड़ियों से अगर मैं बात कराऊँ तो सबका अनुभव यही कहता है कि ये मैच बहुत ही दिलचस्प रहा, और सभी ने बहुत मेहनत किया इस मैच के लिए। और आप देख सकते हैं सभी विजेता जो बाहर से भी आए थे, जो यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से भी आए थे, दर्शक आए थे देखने, और देख रहे हैं सभी अब अपने अपने घर चले गए, और इधर देख रहे हैं सब लोग जश्न मनाने की पूरी तैयारी में हैं, फोटोग्राफी में हैं, पूरी तैयारी में हर कोई आया था। और देखिए बहुत ही अच्छा लगा मैच, मैं भी हर साल बस देखता रहता था कि ये मैच चल रहा है, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, ये 5 साल से पीपीएल चल रहा है। और मैं आज आपको अपने मित्र से मुलाकात कराता हूं, ये अभिलाष कुमार द्विवेदी जी हैं, ये हमारे साथ पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं, और इनसे मैं भी थोड़ा सा आपका परिचय कराता हूँ। तो ये मैच पचौर स्पोर्ट्स क्लब के मीडिया प्रभारी, पचौर स्पोर्ट्स क्लब के ये मीडिया प्रभारी हैं अभी वर्तमान में। तो आइए मैं इनसे मुलाकात कराता हूं कि ये इनका क्या कहना है इस मैच, ये कब से चल रहा है और ये कब तक आगे भी चलता रहेगा? पिछले 4 सालों से ये मैच चल रहा है, जिसमें से एक बार पचौर स्पोर्ट्स क्लब विजेता रही है, और हर साल ऑर्गेनाइज कराती है, आगे भी है निर्णय की आयोजन हम लोग कराएं। इसमें हम लोग स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं, कोई स्पॉन्सर आए, इसको प्रायोजक करे, क्योंकि एक आदमी के काम का नहीं है ये, इसको इसके लिए एक समिति गठन किया है हमने पचौर स्पोर्ट्स क्लब, जो हर साल आयोजित कराए। फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रही, लेकिन उसे भी हमने किया, वो आगे हमारे श्री सचिव साहब बताएंगे और अध्यक्ष महोदय बताएंगे आपको, आप उनका इंटरव्यू लीजिए। तो आपने सुना इनका, और आपको भी एक ट्रॉफी मिली है, वो ट्रॉफी कहाँ है आपकी? अच्छा, ये ट्रॉफी अभी बिजी हैं, बहुत ही अपने मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, और इस मैच को उस मुकाम तक पहुंचाने की इनकी तैयारी है कि हम भी एक नया भविष्य बनाएंगे, और अपन भले ही हमें कुछ सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन हम खेलते रहेंगे और सबको खिलाते रहेंगे। इनके उद्देश्य को देखते हुए हमें बहुत ही साहस मिलता है, और ये जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि चाहे कोई मदद करे ना करे, अगर आपने एक बार अपना लक्ष्य तय कर लिया है तो फिर आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो आइए मैं कुछ यहाँ के मुख्य सदस्य जो हैं, और मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ का पूरा खेल का जो खर्च है वो कौन उठाता है, और यहाँ के जो प्राइज़ रखे गए थे 20,000 10,000 11,000, तो इसका कौन खर्च उठा रहा है? यहाँ पे पहली बात तो रखते हैं, जैसे गांव के सब लोग मेंबर हैं, जितने भी बच्चे हैं सब यहाँ के, तो वो अपने से कंट्रीब्यूट करके पैसे मैच रखते हैं। संभाग स्तर से देखा जाए तो मैच हो रहा है, 21,000 विजेता टीम कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पचौर में रखा गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ग्राउंड की आती है, यहाँ के सरपंच और सेक्रेटरी का कोई वैल्यूएशन ही नहीं है कि अपन लोग जो बनवाते भी हैं तो दूसरे साइड बनवाते हैं, कितने के मसाले का बनाते हैं ये भी मालूम नहीं है, कि हल्का सा बौछार आई, बारिश हुई तो बह गया। यहाँ पर दूसरे से हम लोग क्या होता है, ज़मीन लेते हैं, फिर उनकी फसल लगी होती है, तो फसल भी काटना गलत बात है, लेकिन फिर भी उनसे किसी तरह माध्यम से हम लोग उनसे ले लेते हैं जमीन, व्यवस्थित कर लेते हैं ज़मीन को, तो हम लोग उसमें टूर्नामेंट कराते हैं। अब देखते हैं अगला साल क्या होता है, अभी तक ये क्लियर दिख रहा है आपको, साफ़ और स्वच्छ है, आने वाले समय में क्या होता है, हो सकता है जुताई बुआई कर दें, क्या सब यहाँ पर किसान हैं, इसी के माध्यम से चलते ही हैं, इसलिए सरपंच लोगों को ये चाहिए यहाँ पर एक फील्ड होना अत्यधिक है, हर साल मैच होता है, अब संभागीय स्तर की लेवल से मैच हो रहा है, ऐसा नहीं 21,000 मायना रखते हैं, ग्रामीण स्तर में 21,000 मायना है, बहुत ज़्यादा मायना रखता है, तो उस पर फोकस करें। सरपंच सेक्रेटरी और विधायक आते हैं तो यहाँ हवाबाजी करके चले जाते हैं, कितने लाख देंगे उतने लाख देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई आता नहीं है, बस इन लोगों को वोट की आवश्यकता होती तब आते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना इनके, इन्होंने कितनी बड़ी अपनी पूरी बात बताई आपके सामने, और जो वीडियो देख रहे होंगे उनसे मेरा यही आग्रह है कि इनकी बात
उन तक पहुंचाएं जिन जिन जो इनकी मदद कर सकें, जो इनकी व्यवस्था करा सकें, उन तक आपको वीडियो पहुंचाना है। और आपने देखा इनका कितना ग्राउंड राउंड जो है ये यही व्यवस्था है, और ये आने वाले 10-15 दिन या एक महीने बाद यहाँ शायद खेती की कर दें तो इनके पास खेलने की फिर जगह नहीं बचेगी। तो यही बात है, बस एक महीने के लिए बस खेलते हैं, फिर कोई प्रैक्टिस के लिए कोई कराते हैं। तो आप अभी इस मैच में आप किस मुख्य अतिथि की? नहीं, हम यहाँ पे तो देखा जाए तो हम लोगों का पूरा रोल है, क्योंकि PPL का ऑर्गेनाइजेशन तो हम ही लोग मिल के करते हैं। हमें यहाँ गांव से सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ के सरपंच या यहाँ के विधायक आते हैं, बोलेंगे 12 लाख का TL हुआ, 15 लाख का TL हुआ, लेकिन आज तक ग्राउंड का नामो निशान नहीं पता चलता। एक जगह पे दीवार खड़ी हुई, कैसी खड़ी हुई पता नहीं, कि पानी आता है तो कहीं कुछ निकल जाता है, कहीं दीवार गिर जाती है। हम लोग कितना भी कर लें, कोशिश कर लें, किसी को भी बुला लें, विधायक आएंगे, हमारा नाश्ता पानी करेंगे, बोलेंगे हम 15 लाख देते हैं, यहाँ ग्राउंड बनना चाहिए, लेकिन आज तक ग्राउंड का कोई नामो निशान नहीं, ना आज तक किसी का पैसे का पता नहीं कि पंचायत का जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है, विधायक का फंड आता है वो कहाँ जाता है। हम लोग यही अपनी ज़मीन गाँव वालों से लेंगे, किसी की खेती होगी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनकी खेती कटवाएंगे और उसके बाद ग्राउंड बनाएंगे, फिर यहाँ पर अपना PPL ऑर्गेनाइज कराएंगे, फिर सबके पास जाएंगे, भैया हमारे यहाँ PPL मैच हो रहा है। लगातार 5 साल ये PPL 5 सीजन चल रहा है, इन 5 सालों में लगातार हम लोग अपने ही खेतों में रिक्वेस्ट कर करके ग्राउंड बना के मैच करा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सरपंच मतलब पंचायत से या यहाँ के विधायक से कोई भी आज तक ग्राउंड के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं, कोई सहयोग नहीं होता है। जैसे देखा जाए कि हम लोग PPL सीजन हर साल हम लोगों की टीम बढ़ती जाती है, हर साल हम लोग मैच को ज़्यादा बड़ा करते जाते हैं। आज इस साल जैसे हम लोगों ने 21,000 का मैच रखा था, 21,000 का मैच किसी भी ग्रामीण स्तरीय पे नहीं किया जाता है, यहाँ पे देखा जाए तो ये अंतर्राज्यीय मैच होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 21,000 करा रहे हैं। हमारे यहाँ टीम भी आती है तो बैढ़न, सिंगरौली, मतलब बाहर की टीमें आ रही हैं इस साल से। यहाँ से कितने किलोमीटर की दूर? 40-50-60 किलोमीटर तक की टीमें आ रही हैं। यहाँ के प्लेयर जो होते हैं टीमों में वो दूर दूर के आते हैं, कोई सीधी से आता है, कोई अमलिया से आता है खेलने, सब आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन केवल एक ही यहाँ पे हमें कमी है। अभी आप ये ग्राउंड देखे हैं, हम इस साल इस ग्राउंड पे मैच करवाएं, अगले साल यहाँ पे खेती होगी, हमें ग्राउंड नहीं मिलेगा, फिर किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं दूसरी जगह ग्राउंड बनाएंगे। हमारे इस पचौर पंचायत में जो भी हमारे सहभागी हैं, छोटे भाई लोग हैं, उन लोगों को भी खेलने के लिए यहाँ पे आज तक ग्राउंड नहीं मिल पाया है। सब कोशिश बोलेंगे कि नहीं, हम आप लोगों का ग्राउंड बनवाएंगे, ग्राउंड बनवा दिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, केवल आप देखेंगे कि वहाँ चारों तरफ दीवार है, बीचों बीच में चाहे बालू ही क्यों ना हो, नदी जैसे बह रही हो, लेकिन ग्राउंड के नाम पे कुछ भी नहीं है। ग्राउंड होता है जो परफेक्ट पूरी तरह से हो, हमें पूरा सपोर्ट मिले, हमें पूरी फैसिलिटी मिले, तब तो हम मैच ऑर्गेनाइज कराएं। नाम देते हैं पचौर पंचायत का, लेकिन ऐसा पंचायत का उसमें कोई रोल ही समझ में नहीं आता है, लेकिन गाँव के हैं इसलिए पंचायत स्तरीय देते हैं ताकि हमारे गाँव का नाम ऊपर हो। तो